राजस्थान जिला हनुमानगढ़ से एक जो है कन्नी राम रूहिल जाट हैं, इन्होंने जो है प्रश्न किया हुआ है। देखिए बहुत ही मार्मिक प्रश्न है कि कहीं लिखा है वेद त्रयी, कहीं वेद चार होते हैं, कहीं लिखा है कि वेद एक ही था, व्यास जी ने चार कर दिए। तो इन शंका का समाधान करें कि भाई कि वेद एक हैं कि तीन हैं या चार हैं, क्या है वेद त्रयी क्या है, तो देखिएगा इसका समाधान। देखिए प्रश्न तो आपके समझ में आ ही गया होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि वेद एक ही था, श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है एक एव पुरा वेद, पहले एक ही वेद था, मिला हुआ था। तो एक वेद होने का मतलब क्या है? और फिर इनका नाम है, लोगों को ऐसा भ्रम है, ये शंका है, ध्यान देना, ये समाधान नहीं कर रहा हूं, आगे बोलूंगा जो मैं। लोगों का ऐसा कहना है कि व्यास जी ने एक वेद में से ही चार वेद बना दिए, या वेदों की रचना व्यास जी ने ही की है, कुछ लोगों का ऐसा भी भ्रम है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक वेद की से ही व्यास जी ने चार वेद बना दिए, जैसे कि चार श्लोकी भागवत थी, उससे ही 18,000 श्लोक में ही भागवत की रचना कर दी, ऐसे ही व्यास जी ने एक वेद से चार वेद बना दिए। उनको उनका नाम ही है भाई वेद व्यास, वेदों का विस्तार कर दिया। तो ये अर्थ गलत है, ये नहीं है, ध्यान देना। पहले तो वेद व्यास शब्द पर ही चर्चा हो जाए। वेद व्यास, तो व्यास माने क्या होता है? आप कोश को उठा करके देखिए कि व्यास माने विस्तार ही नहीं है, व्यास माने विभाजन भी है। तो यहां वेद व्यास का अर्थ है विभाजन करने वाले, विभाजक। तो वेदों के विभाजक, वेदों का विभाजन करने वाले, ये वेद व्यास शब्द का अर्थ है। तो वेदों का विस्तार नहीं किया, वेदों की रचना नहीं की। हमारे यहां मुख्य बात यही है कि जो ऋषि लोग मंत्र के ऋषि कहे गए वो दृष्टा कहे गए, न तो सृष्टा। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा न तो सृष्टा रहा। ऋषियों ने अपनी रितंभरा प्रज्ञा में, समाधि अवस्था में, भगवत कृपा से वेदों के मंत्रों को, वेदों के यजुषों को, ऋचाओं का दर्शन किया और फिर उनका सदुपदेश अपने सत शिष्यों को किया और फिर ये परंपरा आगे बढ़ी। श्रौत परंपरा श्रुति से सुन करके आगे बढ़ी, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। और तो ये व्यास जी ने या किसी अन्य ऋषियों ने भी वेदों को लिखा नहीं है। और तो और एक खास बात कि भगवान ने भी वेद बनाए नहीं है, भगवान ने भी वेदों की रचना नहीं की। वेद जैसे कहा जाए, क्या भगवान ने अपना हाथ बनाया? क्या भगवान ने अपना चेहरा बनाया? क्या जो है शरीर अवयव केश आदि पाद हस्तपाद पाण पादि ये कुछ भगवान ने अपने बनाए? नहीं, वो तो न जाने कब से है, कब तक रहेंगे। कोई वो अपना रूप बदल लें वो अलग बात है कि भगवान ने अपना रूप बदल लिया, कभी कुछ बन गए कभी कुछ बन गए, परंतु वे इस तरीके से अपनी संरचना नहीं करते। वो सदा सर्वदा शाश्वत हैं, सदा रहने वाले। जिस तरीके से वे शाश्वत हैं, इसी प्रकार उनकी नासिका आदि श्वास, ये श्वास प्रश्वास जो जा रही है, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जैसे एक मनुष्य अपने श्वास को बनाता नहीं है, वो स्वयं से ही जाती आती है, इसी प्रकार भगवान की ही जो असहज श्वास श्रुतिचारी, वो ये चारों वेद उन्हीं की श्वास प्रश्वास है, श्वास प्रश्वास उनके ही है। तो इसलिए वो वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा भी प्रणीत नहीं है, भगवान की सहज श्वास ही चारों वेद हैं, इसलिए उनको अपौरुषेय सदा शाश्वत कहा जाता है। जैसे ईश्वर वैसे ही वो, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रिति सुश्रम, वेद जो है साक्षात नारायण है, स्वयंभू है, ऐसा हमने सुना है, समझे ना। तो अब देखिए वेद अभ्यास का अर्थ आपने देखा। तो वेदों का ये जो
लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। जब सृष्टि हुई तो इस समाज में, इस लोक में, इस कल्प में जो यहां भी वेद आने थे, तो भगवान ने संकल्प पूर्वक, भगवान ने संकल्प किया, यो वै ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, यो वै वेदांश प्रणोत तस्मै। वो भगवान श्री हरि ने वो संकल्प से ही यहाँ ब्रह्मणे आदि कवये हृदा ब्रह्म तेने, श्रीमद् भागवत में प्रथम पद में। तो जिन्होंने संकल्प मात्र से, अपने हृदय से ही संकल्प करके, और ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्मा जी को वो मंत्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान दे दिया। तो कितना दे दिया, वेद कितने हैं, तो लिखा हुआ है धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहते हैं कि अनंताह वै वेदा, वेद जो है अनंत है, लेकिन ब्रह्मा जी को ये चार वेद यानी 1131 शाखा वाला ये चतुर्वेदामनाय उनको प्रदान किया। तो बोले तो ये इतना ही है क्या, बोले नहीं, इस कल्प के या इस ब्रह्मा जी की इतनी सामर्थ्य है कि वे इतने ही वेदों को धारण कर सकते थे, तो उतने दे दिए। अन्यथा किसी कल्प के किसी ब्रह्मा में कितनी शक्ति है, उतने ही वो जो है वेद उनको प्रदान करते हैं। किसी की सामर्थ्य कम है, ये तो तपस्या के ऊपर है, भगवत कृपा के ऊपर है, वो जितनी सामर्थ्य शक्तिवान होते हैं उतने ही वेदों को उनको प्रदान किया जाता है, करते हैं। तो यहाँ वर्तमान में चारों ब्रह्मा के मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और अथर्ववेद उत्तर के मुख से प्रकट हुआ। ऋषियों ने भी वेदों के मंत्रों का दर्शन किया। तो ये सभी वेद मिलकर के एक जो है एक वेद कहलाता था। तो सतयुग में वो सब मिले हुए थे, एक वेद कहलाते थे। तो व्यास जी को वेद व्यास क्यों कहा जाता, अब इस बात पर विचार करें कि वेदों का उन्होंने विभाजन किया। तो जो एक वेद सतयुग में था, त्रेता में था, तो द्वापर में उन्होंने वो चारों वेद, चारों को अलग अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया, देखो वेदत्रयी और चारों वेदों का अर्थ भी इसमें स्पष्ट हो जाएगा। हमारे यहां वो जो एक वेद था वो तो एक स्थूलकाय रूप में एक वेद कहा जा रहा, लेकिन उसके अंतर्गत जो चार तरीके के मंत्र, तीन तरीके के मंत्र होते हैं, तीन तरीके के, एक तो ऋचाएं होती हैं वेद की जो कि पद्यात्मक होती हैं, और एक जिनको ऋक कहते हैं संस्कृत में, तो वो ऋक ऋचाएं, और दूसरे होते हैं गद्य जिनको यजुष कहा जाता है, गद्यात्मक मंत्र, तो वो जो है गद्य हो गए, और तीसरे होते हैं गान, है ना, गान किए जाने वाले, साम इत्यादि, बृहद गान, अर्थंतर गान, साम गान इत्यादि, जिन पर, जिन ऋचाओं पर गान होता है उनको साम कहते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं, ऋक यजु और साम। तो इसीलिए उस वेद में, पूरे ऋग्वेद कहिए या चारों वेद कहिए, उन चारों में ये तीन विषय हैं, तीन तरीके के मंत्र हैं। कुछ ऋग्वेदा ऋचात्मक है, ऋगात्मक हैं, कुछ यजुषात्मक हैं, और कुछ सामात्मक हैं, साम गानात्मक हैं, गानात्मक गीतियां हैं, मतलब ये समझ लीजिए। तो इसलिए इन तीन तरीके के मंत्रों के होने के कारण उनको वेदत्रयी कहते हैं। तो ऋग्वेद इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें ऋचाएं प्रधान है, ज्यादातर ऋचाएं, इसलिए इसको ऋग्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद में यजुष ज्यादा है यानी गद्यात्मक ज्यादा है, इसलिए इसको यजुष कहते हैं। और साम में जो है गीतियां ज्यादा हैं, गीति प्रदान होने के कारण उसको साम कहते हैं। अथर्ववेद में ये सब है इसलिए उसको अथर्ववेद कहा जाता है, उसमें सब है, सर्ववेदात्मको ब्रह्मा जिनिश्चित है। तो भाई ये चारों वेदों का विभाजन व्यास जी ने किया, तो किस आधार पर किया, चार क्यों बना दिए, एक जो था और तीन तरीके के मंत्र होते थे तो फिर चार क्यों बना दिए, ऐसी जो शंका है तो वो देखिए, वो इसलिए बना दिए कि वैदिक यज्ञों में जो है चार मुख्य प्रकार से ऋत्विज होते हैं। ऋत्विज माने ब्राह्मण, यज्ञ करवाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। फिर इन चारों के
तीन तीन वेद और हो जाते हैं, तो चार चार होगा, एक तो जी है ही और तीन तीन और हो जाते हैं, तो इस तरीके से 16 ऋत्विज हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये चार होते हैं। तो चार कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होते हैं होता, एक होते हैं अध्वर्यु, और एक होते हैं उद्गाता, और एक होते हैं ब्रह्मा। तो जो होता है तो वो होत्रिकर्म से प्रधान जितने मंत्र थे, होताओं से संबंधित जो मंत्र थे जिनका प्रयोग होता करेंगे उन मंत्रों को अलग रखा। अध्वर्यु से प्रधान मंत्रों को, क्योंकि वो सतयुग में सभी वेद का मिला हुआ है, कहाँ होता का कार्य है, कहाँ वो जो है अध्वर्यु का कार्य है, कहाँ उद्गाता का, कहाँ ब्रह्मा का, सब मिले हुए हैं। तो इस सुविधा के लिए कि सभी का अलग अलग हो जाए, सभी होताओं के, सभी ऋतुओं के मंत्र अलग अलग हो जाएं, इस दृष्टि से व्यास जी ने उनका विभाजन किया, उन मंत्रों को छांट छांट के अलग अलग रखा, समझे ना। तो होता से संबंध, होत्रिकर्म से संबंधित मंत्रों को अलग रखा, उन होत्रिकर्म से संबंधित जो मंत्र थे उनमें प्रधान थे ऋचाएं, ऋक प्रधान होने के कारण उसको ऋग्वेद नाम दिया। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है वो होत्रि प्रधान है, और दूसरा जो है वो यजुष, जो है यजुर्वेद जिसको कहा, अध्वर्यु से प्रधान, अध्वर्यु कर्म प्रधान मंत्रों को एक जगह जो एकत्रित किया, उन मंत्रों में यजुष प्रधान थे, यजु माने गद्यात्मक ज्यादा थे, इसलिए उसका नाम यजुर्वेद रखा। यद्यपि ऋचाएं भी हैं लेकिन मुख्य रूप से यजुष ही प्रधान है, इसमें यजुष ही ज्यादा है, गद्य ही ज्यादा है अध्वर्यु के कर्म में, इसलिए उसको यजुर्वेद कहा। और उद्गाता से संबंधित जितने भी मंत्र थे, प्रायः ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं पर ही जो है गान होता है, गीतियां गाई जाती हैं, सामगान, बृहद गान, रथंतर गान इत्यादि गान होते हैं, उन मंत्रों को अलग रखा। तो गीति प्रदान होने के कारण उस जो है उद्गाता के मंत्रों को साम कहा गया, साम प्रदान होने के कारण साम वेद नाम रखा। और ये तीनों ही मंत्र हैं लगभग उसमें, इसलिए इसको अथर्ववेद, क्योंकि ब्रह्मा से प्रधान कर्मों को, ब्रह्मा से प्रधान, ब्रह्मा से जो कर्म, ब्रह्म कर्म प्रधान मंत्रों को अलग रखा, ब्रह्मा जिन कर्मों को करेंगे उनमें जिन मंत्रों का प्रयोग होगा उन मंत्रों को अलग रखा, तो उसका नाम हुआ अथर्ववेद। क्योंकि ब्रह्मा जो है सर्ववेदात्मक होता है, कृताकृत निरीक्षणार्थ होता है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, सबका दायित्व ब्रह्मा के ऊपर होता है, और वो कर्तव्य कर्तव्य का निरीक्षण करता है, इससे संबंधित जो मंत्र है वो एकत्रित रखे गए, तो उनको जो है अथर्ववेद कहा गया। परंतु इन चारों वेदों में तीन तरीके के मंत्र है, ऋगात्मक, यजुषात्मक और गीति साम गानात्मक, इसलिए इसको वेदत्रयी कहने पे ही चारों वेद आ जाते हैं, कि उसमें तीन तरीके की मंत्र सम में है, तो वेदत्रयी कह दीजिएगा तब भी आ गए। और या चारों होता मतलब ऋतुओं से, ऋतुज कर्म प्रधानों से जो चार तरीके के मंत्रों को बांट करके अलग रख दिया गया है, तो वो है। फिर व्यास जी ने इस तरीके से चार वेदों को जो है विभाजित करके अलग अलग जो है रखा। तो ऋग्वेद को उन्होंने अपने पहले नाम के शिष्य को पढ़ाया, और यजुर्वेद को जो है वैशंपाय नाम के शिष्य को पढ़ाया, और जो सामगान था सामवेद को जैमिनी ऋषि को पढ़ाया जो उन्हीं के शिष्य थे, और सुमंतु शिष्य को अथर्ववेद पढ़ाया। फिर उन्होंने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को पढ़ाया। इस कारण ऋग्वेद की जो मुख्य ऋचाएं वो 21 हैं, और यजुर्वेद की जो ऋचा है, फिर कुछ शुक्ल यजुर्वेद जो है व्यास जी के ही शिष्य वैशंपायन और याज्ञवल्क्य भी थे, तो याज्ञवल्क्य जी से और अपने शिष्यों से कुछ प्रायश्चित करने के लिए बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि वही और शिष्य क्या करेंगे, अकेले हम ही प्रायश्चित कर देंगे गुरुदेव आपका। तो व्यास जी ने कहा कि आप जो है हमारे अन्य शिष्यों का अपमान कर रहे हैं, हमारी विद्या का अपमान कर रहे हैं, हमारी विद्या को लौटा दीजिए, हम आपको शिष्य नहीं मानते। तो उन्होंने भी, याज्ञवल्क्य ने भी उन शिष्यों का जो मंत्रों का दानों के रूप में वमन कर दिया, उनके शिष्यों ने तीतर बन के उनको चुन लिया, तो वो तैत्तिरीय संहिता कहलाई, वेद के
यजुर्वेद का ही कुछ ब्राह्मण भाग, यजुर्वेद के जो है वेद के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, मंत्र ब्राह्मणात्मक, मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम, ये हमारे यहाँ सूत्र ही है, तो उन दोनों को ही किसी संहिता में, यजुर्वेद की कुछ संहिता ऐसी है जिनमें ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग मिला हुआ है, इसलिए उनको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। बाद में भवन भास्कर भगवान सूर्य के पास जाकर के याज्ञवल्क्य जी ने कुछ यजुर्वेद के और यजुर्वेद सीखे जो कि शुद्ध थे, ब्राह्मण भाग उनका अलग था और मंत्र भाग अलग था, इसलिए शुद्ध होने के कारण उनको शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। तो यजुर्वेद की दो पद्धतियां चलने लगी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो है 15 शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखा, दोनों मिलकर के यजुर्वेद की 101 शाखा, 100 शाखा, ये पातंजलि महाभाष्य का सूत्र। और जो सामवेद था उसकी 1000 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा है, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं को मिलकर के 1131 शाखा बनी। और कुछ आचार्यों के मत में कुछ और भी जो है शाखा यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की कम ज्यादा भी हैं, ये मत जो 1131 शाखा का मत है ये पतंजलि का मत है, पतंजल मत है ये, पतंजल जो महाभाष्य है उसके द्वारा है। तो इस प्रकार उसी को वेदत्रयी कह दीजिए, वेदत्रयी कहने पर भी चारों वेदों का जो है समावेश हो जाता, चारों वेद उसमें आ जाते हैं, या वेद चतुष्टय कहिए, चार वेद कहिए, ये एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इन सबको मिला दीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, मिला करके एक कर दीजिएगा तो वही जो है ऋग्वेद या एक पुरा वेद, पहले एक ही वेद था ये कह दिया जाए। परंतु उनके मंत्रों में, उनकी मात्रा में, यहां तक लिखते हैं धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के, वेदों की काना मात्रा भी नहीं बदलता है। अनंत काल से, अनंतानंत काल से जब भी ब्रह्मा हुए हैं, जब भी चलते रहे, जब से ईश्वर है तब से वेदों का यही मंत्र, यही अनुपूर्वी है। जैसे ये जिस मंत्र के बाद जो पद है, जो क्रम है, जिसके बोलने का जो ढंग है, वो सब वैसा ही है, शाश्वत है, उसमें कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं होता, न कोई कर सकता। यही वैदिक सनातन आचार्यों का और सिद्धांत का यही मत है, यही सिद्धांत है सभी संहिताओं का, वेद का, सदग्रंथों का, सदाचार्य का, सदगुरुओं का, सभी का यही समन्वय करते हुए यही समाधान है कि वेद सदा सर्वदा एक रस ही रहते हैं, अपरिवर्तनशील हैं। हर हर महादेव।